सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। आईआरबी इंफ्रा में आप लोग देखोगे भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान एकदम से अचानक से गिरावट बनते हुए नजर आई थी, बट उसके बाद जो क्लोजिंग आई ना वो हल्की फुल्की गिरावट में हुई है। 13 पैसे की गिरावट रही है स्टॉक में प्रीवियस क्लोजिंग से, और 67 रुपये 56 पैसे के भाव में क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे बहुत से जो एक्सपर्ट मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से जो बाय रेटिंग दी जा रही है और ऊपर में क्या टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं एक खुशखबरी भाई, जिस खबर का सभी को बेसब्री से इंतज़ार था ना वो न्यूज़ भी आ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बजट की। तो बजट की डेट अनाउंस हो चुकी है। बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतान जी, वो जो ना अभी आप लोग 23 तारीख को बजट पेश करेंगी मंगलवार के दिन। तो ये खबर आ गई है। और अब आप लोग देखोगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर 11 लाख करोड़ का जो फंड अलोकेट किया गया था, अपने पीछे देखा होगा भी, ठीक है। तो अच्छा खासा कैपेक्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ अच्छा फैसला लिया जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप लोग देखोगे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो भी काम कर रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा मजबूत होगा ना इंडिया का, उतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी इसके फाइनेंस के अंदर। यानी कि आप लोग देखो जो आगे जीडीपी ग्रोथ वगैरह होगी वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएगी। तो चलिए अब देखते भी सबसे पहले आखिरकार यहाँ पर किस एक्सपर्ट्स ने बाय रेटिंग दी है और कितने टारगेट्स के लिए ऊपर में दे रखी है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये खबर हमें जी बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिली है। 10 दिन में करनी है कमाई तो खरीद लिए 3 स्टॉक, कल रखे नजर और जाने टारगेट। तो 3 शेयरों के क्या टारगेट दिए गए और कौन से वो 3 शेयर, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोगों देखा HDFC सिक्योरिटीज़ है, इन्होंने जो ना अभी 3 टारगेट्स के लिए आगे के लिए बोला है, अगले 10 दिन के अंदर बोला है भाई, यानी कि शॉर्ट टर्म में। तो पहला जो शेयर वो रहेगा भाई IRB इंफ्रा, हमारे यही शेयर है। IRB इंफ्रा के शेयर में आप लोग 68 रुपये के आसपास का भाव है शेयर का, और 65 से 67 रुपये की रेंज में खरीदारी करें, और ऊपर नीचे में 63 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस, और ऊपर में 72 रुपये के टारगेट के लिए तैयारी है। और शेयर में तेजी के साथ जो ना आप लोग देखोगे वॉल्यूम में सपोर्ट दिख रहा है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, टेक्निकल चार्ट पर भी अपसाइड बाउंस दिख रहा है। इस स्टॉक में आप लोग देखोगे 7 जून से 78 रुपये का लेवल टच किया था 7 जून को, और वहाँ से स्टॉक में अभी के टाइम गिरावट है 10-15% के आसपास। तो इस शेयर में आगे आपको जो ना काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, 3% का रिटर्न जो ना दिया है। तो चलिए अब देख लेते भी इसका चार्ट वगैरह। अगले 3 शेयरों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सॉफ्टवेयर स्टॉक का मास्टेक, और इसके बाद जो शेयर रहेगा अभी वो रहेगा सविता ऑयल। तो ये 3 शेयर उन्होंने बोले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी हमारा जो स्टॉक है इसके लेवल वगैरह। लेवल देखने से पहले जो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है, पेड मेंबरशिप रहने वाली है अभी, और टेलीग्राम के ऊपर मैंने बहुत से अच्छी अच्छी क्वालिटी के जो शेयर हैं वो आपको बता भी रखे, और आने वाले टाइम में इन शेयरों में अच्छी रैली भी बनने वाली है, ठीक है। आप लोग देखो कि भी IRB इंफ्रा है, इसको बहुत पहले मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखोगे IRB के साथ साथ HCL है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो अभी 6 महीने के लिए एंट्री, 5 जून की बात है, ये 5 जून को भाव देखोगे जाकर, और 6000+ के टारगेट्स के लिए मैंने आपको बोला था, और यहाँ पर वो देखने को भी मिल जाएगा अभी 6 महीने से पहले। इंडस टावर में आप लोग देखोगे भी ये 19 जून को जब ये शेयर 335 रुपये के आसपास आया था उस टाइम पर मैंने बोला था, और इंडस टावर में आज आप लोग 400 की रेंज को पार कर गए। आइनॉक्स विंड है, इसमें आप लोग देखोगे भी 140 के आसपास, अभी देखोगे 160 रुपये के आसपास पहुँचा हुआ है। तो इसी प्रकार से अच्छी अच्छी क्वालिटी के शेयरों के लिए आप लोग भी जो अभी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। पेड मेंबरशिप अभी 300 रुपये के महीने की है, और आगे के आप लोग चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो जाकर, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखोगे वन आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो ना अभी इसके अंदर एक ब्रेकआउट यहाँ पर हमें आते हुए नजर आ सकता है, ठीक है। नीचे में सपोर्ट क्या होता है 63 रुपये 75 पैसे का, तो ये वो सपोर्ट है, ठीक है, जो उन्होंने बताया है यहाँ पर। और जो हमारा सपोर्ट रहेगा इसके अंदर वो रहेगा अभी लगभग 60 रुपये के आसपास का, तो 60 रुपये का सपोर्ट हम लेके चलेंगे। आप लोग अगर 63-75 का ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो वो भी लेके चल सकते हो। और ऊपर में देखो भी 68-50 को अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 75 के जो मूव है वो हमें स्टॉक में देखने को मिलेंगे, और 75 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो उसके बाद जो ये शेयर है ऊपर में आपको 94 रुपये तक के जो मूव है वो दिखा सकता है। तो इस शेयर में देखो भी आगे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का मौका है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर चलना चाहो अगले
कुछ टाइम से आप लोगों स्टॉक में रैली नहीं बन पाई है, ठीक है, बिल्कुल शांत है, अपने बाउंड भी खाए से टूटा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल शांत है स्टॉक पिछले एक महीने से अगर देखा जाए तो। अब यहाँ से स्टॉक में ब्रेकआउट आने की तैयारी है, बजट रिजल्ट बहुत कुछ है, तो इस शेयर में एक्शन की तैयारी है। तो नीचे में सपोर्ट वगैरह आपको बता दिए हैं, इसके अलावा जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा करते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, कहीं पर आपको जो है सर्च नहीं करना है, सर्च से मिलेगा भी नहीं, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।